नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उधम सिंह नगर जिले के पुलबट्टा थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम और एसओजी की ओर से गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया था। ऐसे में आज खटीमा के सुरई वन रेंज के कार्यालय में वन विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने गुलदार की खाल के मामले का खुलासा करते हुए फरार आरोपी खड़क सिंह के साथ दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। खटीमा की सुरई वन रेंज के कार्यालय में गुलदार की खाल के मामले का खुलासा करते हुए एसओजी के प्रभारी कैलाश तिवारी ने मीडिया को बताया कि 20 अप्रैल को एसओजी और वन विभाग की संयुक्त टीम की ओर से पुलभट्टा थाना क्षेत्र में गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी दीनानाथ निवासी सरपुड़ा कोतवाली खटीमा को गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरा आरोपी खड़क सिंह मौके से फरार हो गया था, जिस पर एसओजी और सुरई वन रेंज खटीमा की संयुक्त टीम की ओर से कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी खड़क सिंह समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए दो अन्य आरोपी ललित बिष्ट निवासी पिथौरागढ़ और पूरनधामी खटीमा के रहने वाले हैं। ऐसे में ललित बिष्ट जो पिथौरागढ़ का निवासी है, वह गुलदार की खाल पिथौरागढ़ से लेकर आया था और पूर्व में गिरफ्तार दीनानाथ ने गुलदार की खाल को 4 लाख में बिकवाने की बात कही थी। ऐसे में वन विभाग की ओर से गिरफ्तार सभी आरोपियों को वन जीव जंतु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। एसटीएफ की सूचना आई कि एक बाघ की खाल लेकर दो व्यक्ति सिद्धार्थनगर की तरफ से हल्द्वानी को आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा सूचना विश्वास करते हुए इनको फुलभट्टा के पास पकड़ा गया। तो उसमें एक आरोपी खड़क सिंह फरार हो गया। हमारे द्वारा तुरंत पूछताछ के बाद जब पता चला कि इसने ये बोला उस पर मौके पर कि इस बाघ की खाल को हमने सुरई रेंज से मारा और वहीं से निकाला खाल, उसके बाद मैं आरोप सुरई से संपर्क कर उनको बताया गया। इसमें रिखाड़ी जी की बड़ी विशेष भूमिका रही, तो उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत खड़क सिंह को गिरफ्तार किया। खड़क सिंह को गिरफ्तार करने के बाद दो अन्य साथी इसमें पकड़े गए।